बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ ज़ारा गाज़ी और यहाँ पर फैज़ाबाद में एक रैली का इनेकाद किया गया है जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम की जानिब से, जिसमें फ्रांस में मुस्तखाना खाकों के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है और फ्रांस मुर्दाबाद के नाम से ये रैली है जिसका इनेकाद आज किया गया है। यहाँ पर हम बताते चले कि कमर्शियल मार्केट और राजा बाज़ार से दो रैलियाँ निकाली गई थी जो यहाँ फैज़ाबाद आकर इख्तिताम पज़ीर हुई हैं। फ्रांस में जो गुस्ताखाना खाके शाया हुए हैं, इनकी थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताऊं तो वो ये है कि फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों को पहले अखबारात में शाया किया गया था, उसके बाद इन खाकों को सरकारी इमारतों पर भी दिखाया गया है। और जहां तक बात है इस घिनौने खेल की तो इसमें फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी शामिल है और यकीनन ये उन्हीं की दी हुई शह है कि मामला जो है वो इस हद तक चला गया है कि मुसलमानों की दिल आज़ारी खुलम खुला की जा रही है और सरकारी सतह पर की जा रही है। यहाँ पर न सिर्फ रैलीज़ का इनेकाद ज़रूरी है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना ज़रूरी है, बल्कि साथ ही साथ ये चीज़ भी बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स हैं उनका मुकम्मल तौर पर बायकॉट करें। यहाँ पर जो फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं उनमें लू जो है, बिस्किट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा टोटल जो पेट्रोल पंप भी है और गाड़ियों के जो दीगर इस्तेमाल की चीज़ें हैं, फ्यूल, पेट्रोल और इसके अलावा जो उसके गाड़ियों का ऑयल वगैरह होता है वो भी मिलता है इसमें। इसके अलावा ख़वातीन जो है गार्नियर का हेयर कलर इस्तेमाल करती हैं, लोरियल की प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जो लूब बिस्किट्स हैं उसकी अगर बात की जाए तो प्रिंस बिस्किट है, टक बिस्किट है, कोकोनट है, ज़ीरा प्लस है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जाता है। तो हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि फ्रांसीसी, जाहिर है हम फ्रांस जाकर लड़ नहीं सकते लेकिन ये हमारी बेबसी की इंतहा है कि हम इस मौके पर जो है कुछ कर नहीं सकते अमली तौर पर। लेकिन अगर हम अमली तौर पर कुछ कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं कि एक तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं।